नमस्कार दोस्तों, यदि आप कुल्लू और मनाली हिमाचल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन और अगर बजट में समाने वाले हिल स्टेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आज मैं आपको YT भारत पर सबसे सस्ता कुल्लू और मनाली का विथ बेस्ट ऑप्शन के साथ हनीमून स्पेशल इंक्लूजन का टूर पैकेज बताने वाला हूँ, जिसकी टोटल वैलिडिटी होने वाली है 5 नाइट 6 डेज के लिए। एक कपल के लिए टूर पैकेज में बता रहा हूँ और अगर आपके साथ दो कपल हो जाएंगे तो इस टूर पैकेज की कॉस्ट और भी कम होने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे वन कपल के बारे में। अगर आप हनीमून कपल हैं तो आपके लिए टूर पैकेज बनता है, और अगर आप नॉन हनीमून पर ही जाना चाहते हैं तो इसी टूर पैकेज की कॉस्ट में आप 1000 रुपीज लेस करके इस टूर पैकेज को बुक करवा सकते हैं। हनीमून स्पेशल इंक्लूजन में आपको क्या क्या दिया जा रहा है? 1 कैंडल लाइट डिनर, फ्लावर बेड डेकोरेशन, हॉट केसर बादाम मिल्क, हनीमून केक और वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल मिलने वाली है। 3 नाइट आपका मनाली के होटल में स्टे रहेगा और 2 नाइट आप सेमी स्लीपर लग्जरी मल्टी एक्सल वॉल्वो बस में आपका सफर रहेगा। वॉल्वो बस के अंदर आपको ब्लैंकेट भी मिलेगा। वॉल्वो बस में आपको 2 मिनरल वाटर की बॉटल भी मिलेंगी 500 ml की, और अगर वोमिटिंग के साथ तबीयत कुछ खराब लगती है तो आपके लिए वोमिटिंग पाउच भी दिया जा रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा है, जब भी कोई लेडीज और बच्चों के साथ आप वॉल्वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वोमिटिंग की दवाई अपने डॉक्टर से पूछ करके ले लें, और साथ में आप बहुत ही लाइट वेट खाने को खाइए ताकि सफर में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली से मनाली जाते समय कुछ प्रॉब्लम फील होती है, लेकिन मनाली से दिल्ली आते समय क्योंकि ढलान पर आप आ रहे होते हैं तो प्रॉब्लम बहुत कम फील होती है लेडीज और बच्चों के अंदर, जो उनका जी घबराता है, ये सब जो दिक्कतें होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डे वाइज आइटनरी के बारे में। दिल्ली या चंडीगढ़ से आपका पिकअप होगा। इस दिन आप जाएंगे मनाली, 550 किलोमीटर की जर्नी 11 से 12 घंटे में कवर होती है। हालांकि रास्ते में आप देखेंगे मनाली के रोड पर बहुत सारी टनल्स का निर्माण हो रहा है। आगे आने वाले समय में ये जो टोटल जो ट्रेवल टाइम है वो लगभग 8 घंटे के आसपास सिमट करके रह जाएगा, लेकिन अभी 11 से 12 घंटे के अंदर ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। एक एक करके 1 by 1 टनल ये खोली जा रही हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले D1 पर आपको पिकअप करना होगा इस ज़बरदस्त वॉल्वो बस को। RK आश्रम मेट्रो स्टेशन या मजनू का टीला से आपका पिकअप होगा। आपको अपनी ऑन कॉस्ट पे यहाँ तक पहुँचना होगा। RK आश्रम पड़ता है आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास और मजनू का टीला पड़ता है आपका कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास। लगभग 5:30 बजे के पास ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। 11 से 12 घंटे में आप D2 पर पहुंच जाएंगे कुल्लू और मनाली। जब आप दिल्ली से निकलेंगे तो आपकी बस यहाँ से जब निकलेगी मजनू का टीला से तो सबसे पहले जाएगी करनाल बाईपास, उसके बाद सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, उसके बाद चंडीगढ़, अगले दिन सुबह मंडी, और मंडी के बाद आप पहुंचेंगे कुल्लू होते हुए सीधे मनाली बहुत ही हसीन वादियों के अंदर। दोस्तों आपका सबसे पहले डिनर के लिए स्टॉप मिलेगा कुरुक्षेत्र के अंदर या उसके आसपास, और उसके बाद जो सुबह आपको ब्रेकफास्ट या फ्रेश होने के लिए जो मिलेगा आपका स्पॉट वो मिलेगा मंडी के अंदर। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये जर्नी होती है। जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो दिल्ली के बाद जो आपको असली वादियाँ देखने को मिलती हैं वो मंडी के बाद देखने को मिलती हैं, और बहुत ही औसम नज़ारा होता है। D2 पर आप पहुंच जाएंगे कुल्लू और मनाली। कुल्लू और मनाली पहुंच करके इस दिन आपको होटल में चेक इन करना है। 2 से 3 बजे के बीच में आपके ड्राइवर का कॉल आ जाएगा। आपको कॉल जो है आने के बाद आपको वो पिकअप करेगा होटल से और लेकर के जाएगा मनाली के लोकल साइट सींग पर, जिसमें आप जाएंगे क्लब हाउस, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, वशिष्ठ टेम्पल। इन सब जगहों को घूमने के बाद आपको होटल में ड्रॉप किया जाएगा, और होटल में ड्रॉप करने के बाद डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए। अब बताती है हनीमून इंक्लूजन जो हमने बताया वो क्या सारे दिन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक दिन जो भी आप डिसाइड करेंगे उस दिन हनीमून इंक्लूजन में जो भी आपको मैंने बताया, जैसे फ्लावर बेड डेकोरेशन हो गया, हॉट केसर बादाम मिल्क हो गया, हनीमून केक हो गया, 1 कैंडल लाइट डिनर हो गया, ये अलग दिन मिलेगा। फ्लावर बेड डेकोरेशन, हॉट केसर बादाम मिल्क और हनीमून केक आपको एक दिन मिलने वाला है। 1 कैंडल लाइट डिनर एक दिन मिलने वाला है। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल जब आप पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा, अगर होटल में सुविधा उपलब्ध है तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों D3 के बारे में। D3 पर आप जाएंगे मनाली से सोलांग वैली वापस आएंगे मनाली। 15 किलोमीटर की जर्नी लगभग 40 मिनट का समय लेती है। रास्ते में हल्का फुल्का जाम लगता है लेकिन ज़बरदस्त ये रास्ता होता है। सोलांग वैली को दोस्तों स्नो वैली के नाम से भी जाना जाता है। जब स्नो पड़ती है मनाली के अंदर तो सोलांग वैली पूरी तरह से स्नो कवर्ड माउंटेन से घिर जाता है, और उसके अंदर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, रोपवे कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं। अब कुछ मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप वहाँ पे फोटोग्राफी के ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो हाँ दोस्तों वहाँ पर आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। लगभग आपके 100 रुपये के आसपास आपको 2-3 हार्ड कॉपी दे दी जाएंगी, और हार्ड कॉपी को आपको प्राप्त करने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा।
तो बहुत ही मनोरंजक सफर होने वाला है सोलांग वैली का। यहाँ पर आप रोपे पे जरूर ट्राई करिएगा अगर वहां पर आपको अलाउ होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे फोर के बारे में। डे फोर पर आप निकलेंगे मनाली से, कुल्लू जाएंगे और फिर नगर जाएंगे। रास्ते में अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नागर कैसल जाइए, वहां पर इंजॉय करिए और इंजॉय करने के बाद कुल्लू जाइए, कुल्लू सॉल फैक्ट्री घूम सकते हैं, वैष्णो देवी टेम्पल घूम सकते हैं और वापस आएंगे आप शाम को अपने होटल में डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। दोस्तों डे थ्री और डे फोर का जो भी आपका ये टूर होने वाला है, ये फुल डे का टूर होने वाला है। सुबह से लेकर के शाम तक आपके साथ ड्राइवर रहेगा और रास्ते में आप जो भी पूछेंगे आपको गाइड करता हुआ चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं डे फाइव के बारे में। जिस दिन वापस मनाली से दिल्ली आपका डिपार्चर होने वाला है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, रेडी हो जाइए, 12 बजे के आसपास चेकआउट मार दीजिए, लगेज को रख दीजिए होटल के रिसेप्शन पर और रिसेप्शन पर रखने के बाद आप निकल जाइए द मॉल रोड, मनाली में जाइए, वहां पर एंजॉय करिए, शॉपिंग करिए, एंटिक्स को खरीदिए, शॉल्स को खरीदिए, हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदिए, लोकल फूड को ट्राई करिए, मोमोज को ट्राई करिए। मनाली के माल रोड पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जाकर के आप लंच करिए। लंच करने के बाद या तो वापस होटल में आ जाइए या ड्राइवर से बोल दीजिए आपके सामान को पिकअप करेगा और मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड पर ला करके आपको ड्रॉप कर देगा सारे सामान को। वहां से इस दिन आपको अपनी वॉल्वो बस को पिकअप करना है। अब कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि वॉल्वो बस का नंबर कौन देगा, आपको कौन पिकअप करने के लिए आएगा, कौन ड्रॉप करने के लिए आएगा। तो दोस्तों दिल्ली से मनाली जब आप पहुंचते हैं तो मनाली से लेकर के आपके होटल तक का, मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से लेकर के होटल तक का आपको पिकअप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और वापस जब आप मनाली से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। जो वॉल्वो बस स्टैंड है वो मनाली के माल रोड से बहुत ही नज़दीक है, आराम से आप अपने होटल से पहुँच सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि पिकअप एंड ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया गया है तो आप पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको वॉल्वो बस का नंबर कब दिया जाएगा। जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपको वॉल्वो बस का नंबर, पीएनआर नंबर, सीट नंबर सब कुछ दे दिया जाएगा, बस का नंबर बता दिया जाएगा, टाइमिंग बता दी जाएगी, आप आराम से बस को पिकअप करके जो है वो पहुँच सकते हैं दिल्ली से मनाली या मनाली से दिल्ली। डे सिक्स पर आप पहुँच जाएंगे, लगभग ओवरनाइट जर्नी होगी, सुबह 4:30-7 बजे के आसपास आपकी बस आपको ISBT पे ड्रॉप कर देगी। जो 4 बजे से आपकी बस स्टार्ट हुई थी मनाली से, वो आपको अगले दिन 7:30 बजे के आसपास जो है वो मनाली पर ड्रॉप कर देगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इस टूर पैकेज की कॉस्ट क्या होने वाली है, होटल कौन से मिलने वाले हैं और क्या इंक्लूजन रहने वाला है, क्या एक्सक्लूजन रहने वाला है। 3-स्टार डिलक्स होटल के साथ एक टूर पैकेज जो आप ले रहे हैं उसकी पर कपल की कॉस्ट है 13,500 रुपये। 3-स्टार डिलक्स होटल में मनाली लोज, आरती विला होटल, फोर सीजन होटल फ्लेमिंगो नेस्ट, सेवन हिल्स, राजहंस होटल, होटल प्रेजेंट या इससे सिमिलर मिल रहा है। 15,801 कपल की कॉस्ट है, 13,501 कपल की कॉस्ट है, 19,901 कपल की कॉस्ट है। कपल में दो लोग होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। 15,800 का पैकेज लोगे तो रायडा मिला मिल जाएगा, एम्बियन रिजॉर्ट मिल जाएगा, सनफ्लावर विला होटल मिल जाएगा, मोनार एजेंसी मिल जाएगा, गोल्डन एप्पल होटल मिल जाएगा या इससे सिमिलर मिल जाएगा। 4-स्टार लग्जरी होटल का टूर पैकेज लोगे 19,990 रुपये। मनाली के अंदर विस्लिंग पाइन रिजॉर्ट स्पा, रोहतांग हाइट, ग्रास रिजॉर्ट मनाली, हिमालयन मोरनल मनाली या इससे सिमिलर आपका मिलने वाला है। पैकेज इंक्लूजन में क्या क्या है, 2-स्टार सेमी एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट दिल्ली से मनाली, मनाली से दिल्ली की मिलेगी, पिकअप एंड ड्रॉप वॉल्वो बस स्टैंड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 3 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा मनाली के होटल में, वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल, 3 मॉर्निंग टी, 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर मिलने वाले हैं, 1 कैंडल लाइट डिनर मिलने वाला है और जो हनीमून इंक्लूजन है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आपको हनीमून इंक्लूजन नहीं लेना है तो यही जो पैकेज है आपका नॉन हनीमून के साथ 12,500 रुपये पड़ेगा, ये 14,800 रुपये पड़ेगा और ये 18,990 पड़ेगा अगर आप हनीमून इंक्लूजन नहीं लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे आपका 1.5 डे का लोकल साइट सींग टूर प्राइवेट कार से होगा, 1 फुल डे का साइट सींग टूर कुल्ली मरीनकरण का प्राइवेट कार से होगा और 1 फुल डे का साइट सींग टूर आपका सोलांग वैली का प्राइवेट कार से होगा। वॉल्वो बस में आपको जो फैसिलिटी मिलेंगी मैंने पहले से ही आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कंपनी को डायरेक्ट कॉल करिए, वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जा करके व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, सारी जानकारी हासिल करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर तक यात्रा करना चाहते हैं कुल्लू और मनाली की तो आपके लिए बेस्ट टूर पैकेज रहने वाला है, बेस्ट सुविधाओं के साथ और बेस्ट सर्विस आपको दी जा रही है। मैं मिलता हूँ आपको YT भारत के सहगे बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बने रही YT भारत पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।